हाय फ्रेंड्स, दिस इज आमिर जावेद, यू आर वाचिंग बॉडी ट्रेनिंग टिप्स। तो दोस्तों, सबसे पहले तो थैंक्स फॉर द 10K सब्सक्राइबर। मेरी तरफ से आप लोगों को बहुत प्यार, आपके प्यार और सपोर्ट का बहुत शुक्रिया जो आपने ना सपोर्ट किया। तो आज की इस वीडियो में मैं जो है वो फीमेल और मेल्स के लिए जो है वर्कआउट बताऊंगा, फैट लूज के लिए, कंप्लीट बॉडी फैट लूज। उसमें हम जो एब्डोमिनल एरिया, मतलब जो हमारा पेट है, उसके बाद बैली फैट है। बैली फैट का बहुत ज़्यादा जो है वो लोगों को मसला रहता है, तो उस पर जो है वो हमारा ज़्यादा फोकस रहेगा। लेकिन ये बहुत ही सिंपल वर्कआउट है। पहले आप कैटेगरी समझ लें, तीन किस्म की कैटेगरी है। एक कैटेगरी ये है कि जो लड़कियाँ, उनको इजाज़त नहीं मिलती जिम जाने की। उसके बाद कुछ लड़के हैं जो कि अपनी मसरूफियत की वजह से जिम नहीं जा सकते। उसके बाद कुछ लोग जिम जाते हैं जो कैटेगरी टू में आते हैं, जो लोग जिम जाते हैं लेकिन वो उन्होंने शेप नहीं बनानी, उन्होंने बॉडी बिल्डिंग नहीं, उन्होंने सिर्फ अपना फैट लूज़ करना है। मतलब वो मिक्स वर्कआउट करके जो है वो आ जाते हैं, लेकिन उनके पास प्रॉपर गाइडलाइन नहीं है कि उन्होंने किस तरीके से चलना है इस पर। उसके बाद एक कैटेगरी ये है कि कुछ लोग जो है वो बहुत मसरूफ़ होते हैं, जो कि जिम नहीं जा सकते, जिनके पास टाइम नहीं है। वो रात को ये वर्कआउट कर सकते हैं या किसी भी टाइम कर सकते हैं। सिंपल सा वर्कआउट है, इसमें कोई इतनी डाइट भी खास नहीं है। डाइट वो मैं आपको बता देता हूँ आपने क्या करनी है। वो आपने आम रूटीन की, जो आप रूटीन पे खा रहे हैं आपने वो ही खाना है। ये जो प्लान है ये सिर्फ वो लोग फॉलो करेंगे, या तो जो जिम नहीं जा सकते, या तो जो प्रॉपर डाइट नहीं ले सकते। अगर आप वर्कआउट, या आप अच्छा वर्कआउट कर सकते हैं या डाइट ले सकते हैं, तो उसके लिए आप जो मैंने ऑलरेडी वीडियो आप जो है वो अपलोड की हैं, आपने उसको फॉलो करना है, वो ज़्यादा जो है बेटर हैं। लेकिन ये जो है ये सिर्फ आपकी हेल्प के लिए, ताकि जो लोग जिम नहीं जा सकते, जो लोग के मसरूफ़ रहते हैं या फिर किसी को इजाज़त नहीं मिलती जिम जाने की, फैट से परेशान है कि हमारा फैट लूज़ नहीं हो रहा, ये उनके लिए सिंपल। अच्छा, डाइट में आपने क्या करना है, सबसे पहले एक बात आपने याद रखनी है, आपने किसी किस्म का कोई कलरफुल ड्रिंक नहीं पीना, आपने कोई फास्ट फूड, जंक फूड्स किसी किस्म का कोई नहीं खाना। उसके बाद आप शुगर से जो है वो अवॉइड करेंगे, आपने शुगर का इस्तेमाल नहीं करना। जहरी बात है, ये चीज़ें तो आपको छोड़नी पड़ेंगी जब आपने फैट लूज़ करना है। लेकिन अगर तो आप ये सोचते हैं कि मैं अपने चस्के भी पूरे करूँ और जो है वो साथ फैट भी लूज़ करूँ, तो इस तरह से नहीं हो सकता, ये आपको कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। तो वर्कआउट सिंपल सा है, तो आएँ जो है वो वर्कआउट शुरू करते हैं। वर्कआउट शुरू करने से पहले मैं फिर आपको एक दफ़ा थैंक्स कह दूँ कि हमारे जो यूट्यूब फैमिली है वो तकरीबन 10,000 के करीब पहुँच चुकी है, और मज़ीद चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें मोटिवेशन के लिए। तो आए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अब आपने ये जो है गौर से समझना सारा मेथड जो मैं आपको बताऊंगा आपके एब्डोमिनल एरिया के लिए। खासकर आपने एक मंथ के 15,000 रिपीटेशन करने हैं। अब आप परेशान ना होंगे कि 15,000 रिपीटेशन कितने, रोज़ के 500 रिपीटेशन हैं आपके। दो वर्कआउट करने हैं पेट के आपने, 500 रिपीटेशन आपने डेली के लगाने हैं। देखें, मैं अपनी वीडियो पे व्यू लेने के लिए आपको ये नहीं कहता कि यार आप 100 रिपीटेशन लगाएं तो एक महीने बाद आपका फैट लूज़ हुआ हुआ होगा, या आप फैट तो आप खुश हो जाएंगे, यार इतना आसान वर्कआउट बता रहे हैं, और यार ये इस तरह से नहीं हो सकता। जिस तरह से आपको बता रहा हूँ इसी तरह से लूज़ होगा, कम रिपीटेशन नहीं लगाने। सबसे पहले आपने लेग रेज लगाने, लेग रेज आपने कोशिश करना है आप अपने बेड पर, आप अपनी चरपाई, मतलब कोई भी आप ऐसी आपने जगह ऊंची लेनी है, जैसे ये मेरे पास बेंच है, मैं आपको भी लगा के दिखाऊंगा। इस पे आपने बिल्कुल स्ट्रेट जो है वो लेट जाना है, आपकी जो हिप्स हैं वो बिल्कुल बेंच के एंड पर आएंगी। आप कोई भी ऐसा स्ट्रेट आप चीज़ ले सकते हैं जिस पर आप ये लेट कर लगाएंगे वर्कआउट। आपने याद रखना है आपकी जब लेग्स ऊपर जाएंगी, नीचे जाते हुए आपकी लेग्स जमीन के साथ टच नहीं होनी चाहिए, जमीन से 2 इंच के फासले पर फिर आपने वापस ऊपर लेके जानी है। तो हम स्टार्ट करते हैं। आपने अपनी लेग्स को थोड़ा सा बेंड करके रखना है ताकि आप रिपीटेशन पूरे कर सकें। मैं पहले आपको लगा के दिखाता हूँ, फिर मैं आपको समझाऊंगा कि आपने इसको किस तरीके से लगाना है, फॉलो करना है। 1, 2, आपने अपनी थोड़ी सी लेग्स को जो है वो बेंड करके रखना है, ज्यादा नहीं रखना। 4, नीचे जाते हुए आपने इसको फुल स्ट्रेच करना है, फिर आपने इसको ऊपर लेके आना। आप देख रहे हैं कि मैं किस तरह से लगा रहा हूं, सिर्फ आपके नीचे जमीन के साथ पांव नहीं लगने चाहिए। 5, 6, 7, 8, तो ये आपने देख लिया कि मैंने किस तरह से लगाया, आपने बिल्कुल सेम इसी तरीके से लगाना है। अच्छा, अब आपने इसके कितने रिपीटेशन करने हैं, आपने इसके जो है वो टोटल लगाने हैं 3 सेट नहीं, आपने इसके टोटल 5 सेट लगाने हैं। एक सेट में आपने 50 रिपीटेशन करने हैं, मतलब आपके 250 रिपीटेशन बन जाएंगे, मतलब आपके ये 250 रिपीटेशन हो गए। अब मैं आपको दूसरा वर्कआउट बताता हूँ, उसके भी आपने इसी तरह 5 सेट लगाने हैं, 50 रिपीटेशन करने हैं, उसके भी आपके 250 रिपीटेशन बन जाएंगे। जब आपके 250 रिपीटेशन पूरे होंगे, 500 हो गए आपके डेली के, तो जब ये महीना पूरा होगा तो आपका मंथली जो है वो 15,000 रिपीटेशन पूरे हो जाएंगे। ये साइंटिफिक, अगर आप इसको इस तरीके से फॉलो करेंगे तो आपका जो जो एब्डोमिनल एरिया, जितना भी उस पर फैट भरा हुआ, स्किन टाइट हो जाएगी और फैट आपका लूज़ हो जाएगा।
50 रिपीटेशन पूरे करने हैं, अगर आप थक जाते हैं लगाते हुए वर्कआउट, आपसे रिपीटेशन पूरे नहीं हो रहे, तो आपने फिर इसी को हाफ लगाना शुरू कर देना नीचे से, लेकिन आपने 50 रिपीटेशन पूरे करने हैं। आज मैं आपको दूसरा वर्कआउट बताता हूँ कि उसके आपने जो है वो आपने कौन से 5 सेट लगाने हैं और उसके कितने रिपीटेशन करने हैं। तो दूसरा वर्कआउट जो है एब्डोमिनल एरिया का, वो एब क्रंचेज है, इसको आप देख लें कि किस तरह से आपने लगाना है। इसके भी आपने 50 रिपीटेशन करने हैं, 5 सेट लगाने हैं, तो आपके ये 500 रिपीटेशन एक दिन के पूरे हो जाएंगे। अपनी आपने दोनों लेग्स को उठा के रखना है, 1, 2, 3। आपने अपनी जो एब्डोमिनल है इसको टाइट रखना है और आपने पीछे जाते हुए ब्रीथ आउट करना है, स्ट्रेच और स्क्वीज आपने बिल्कुल ठीक तरीके से करना है। ये आपने देखा है कि मैंने किस तरह से लगाया है, ये टोटल आपने 2 वर्कआउट करने हैं। अब मैं आपको कार्डियो बताता हूँ कि आपने कार्डियो में क्या लगाना है। कार्डियो भी सिंपल सा है, ये देखें आपका मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम आपका ये 30 मिनट में वर्कआउट ख़त्म हो सकता है। आप अगर मिसाल तौर पे मतलब काम पे जा रहे हैं, रात को जारी बात है आपने घर नहीं आना है, तब आप ये वर्कआउट कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि ये वर्कआउट या खाने से पहले करना है या खाने के 2 से 3 घंटे बाद करना है, मतलब खाने के फौरी बाद नहीं आपने करना। तो आए मैं आपको कार्डियो वर्कआउट बताता हूँ कि आपने कौन सा करना है। तो कार्डियो वर्कआउट आपको बताता हूँ, जब आप वो दोनों वर्कआउट कर रहे हैं आपने फिर ये कार्डियो वर्कआउट को फॉलो करना है। ये आप देख लें मैं किस तरह से लगाता हूँ। आपने बिल्कुल अपनी पोजिशन स्ट्रेट रखनी है और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इसके आपने 50 रिपीटेशन करने हैं। ये हो गया, इसमें आपने कोई ब्रेक नहीं देनी, फिर आपने साथ ही हाई नीज 1, 2, 3, 4, 5 इसके भी आपने 50 रिपीटेशन करने हैं। ये और ये, 1, ये और ये, 2, ये और ये, 3 रिपीटेशन। इस तरह से आपने इसको 3 गिनना है, फिर आपने सिंपली 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 इसके भी आपने 50 रिपीटेशन करना। इसके बाद आपने ट्विस्टो करना है, जो आपका साइड फैट होता है वो भी इसमें आपका कवर होगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 इस तरह से आपने ये 1 रिपीटेशन गिनना है जब आप दोनों साइडों पे जाएंगे 1। इसके बाद आपने बिल्कुल स्ट्रेट खड़े होके 1 ब्रीथ आउट, 2, 3 इस तरीके से आपने इसके भी 50 रिपीटेशन करने हैं। इसके आपने टोटल 4 सेट लगाने हैं। अगर आप ये वर्कआउट प्लान जो है सिंपल सा प्लान है, अगर आप ये फॉलो कर लेते हैं अपने घर पे, तो आपको 1 महीने बाद रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। इसको आप अपनी रूटीन बना लें, जब आप इसको 1-1.5 महीना फॉलो करेंगे तो ये ऑलरेडी आपकी जो है रूटीन बन जाएगी और आप मतलब एक एडिक्शन बन जाएगी आपके लिए कि मैंने ये वर्कआउट यार करना ही करना है, आप टाइम निकाल के करेंगे। अगर आपके पास टाइम नहीं है, बिल्कुल आधा घंटा भी नहीं दे सकते, तो 15 मिनट इस वर्कआउट को फॉलो कर लें, रिपीटेशन कम लगा लें। लेकिन एब्स के लिए मतलब पेट के लिए आपको जो वर्कआउट बताया है उसके रिपीटेशन आपके जो है वो मंथली जो है वो 15,000 होने चाहिए। आप टोटल करके रख लें डेली कि मैंने इस करना है। और डाइट सिंपल सी आपको बताइए कि आपने कौन कौन सी चीज़ नहीं खानी, बाकी खाएं, बाकी याशी करें। तो जो है वो अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। गुड बाय।